कराची में नौजवान नकीबुल्ला महसूद के मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने का मामला कौमी असेंबली में भी पहुंच गया। फाटा से रुकने कौमी असेंबली शाहजी गुल आफरीदी ने मामला ऐवान में उठा दिया। शाहजी गुल आफरीदी का कहना था कि नकीबुल्ला महसूद के पास वतन कार्ड था जो फौज की क्लियरेंस के बाद जारी होता है। एक साल में कबायलियों के साथ कराची में होने वाले वाकयात की तफसील दी जाए, मालूम होना चाहिए कुर्बानियां देने के बावजूद क्या कुछ हो रहा है। ख्वाजा सुहेल मंसूर ने कहा कराची में लापता होने वालों की तफसील भी सामने लाई जाए, जिस पर स्पीकर ने वजारत इंसानी हुकूक को हिदायत की कि अगले हफ्ते रिपोर्ट दी जाए जिसमें लापता अफराद की तफसीलात भी शामिल हो। रुकने कौमी असेंबली मुराद सईद ने राव अनवार के तहरीक इंसाफ से मुतलिक बयान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कल हमने वजीर आला सीन को खत के तहरीक इंसाफ की तरफ से कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करें और पूरे जो हकायक है और उनके अहल खाना को उनको इंसाफ दिया जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद नवीद कमर का कहना था कि नकीबुल्ला के मामले पर सिंध हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, मामला जल्द बाजे हो जाएगा, तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर लिया जाए। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।